जी सर। ओके ओके ओके। तो फ्रेंड्स, हमने कल के लेक्चर में ये नॉमेनक्लेचर दिए थे होमवर्क के लिए, एक मिनट में डिस्कस करते हैं और उसके बाद एल्किन्स का नॉमेनक्लेचर। अब देखो, इन दिस एग्जांपल देयर आर फाइव कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, फाइव कार्बन एटम्स एंड टू साइड चेन्स आर देयर, बोथ साइड चेन्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, राइट। The compound is symmetrical, that's why we can start looking from right side or from left side, no issue. Okay, 1, 2, 3, 4, and 5. Two different side chains, one is ethyl and another is methyl, both are attached to third carbon atom. Due to alphabetical order, we have to indicate first ethyl and then methyl with its number. I will write here IUPAC name of this compound. Firstly, we have to write 3-ethyl, then 3-methyl, right? 3-ethyl, 3-methyl. Total 5 carbon atoms are present in the compound. We know the parent alkene of 5 carbon atoms. Sir, what is सर? मैंने माइक में म्यूट किया था सर। थ्री इथिल, थ्री मिथिल, पेंटेन, डाय नहीं यूज कर लेगा, डाय नहीं यूज कर लेगा। अब देखो, डाय यूज्ड ओनली फॉर सेम साइड चेन्स, सेम साइड चेन्स, डाय नहीं यूज कर लेगा। अब ये सेम है क्या साइड चेन्स में, इसलिए नहीं यूज कर लेगा। किसी ने तो भी यहाँ डाय लिखा है, डाय पेंटेन, वो कट कर लेगा, करेक्शन करो, और ये सीखने का है हमें, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? डाय को लिखने का, जब सेम साइड चेन है दो, टू साइड चेन्स अगर सिमिलर होंगे तभी डाय लिखने का, ये डिफरेंट साइड चेन्स है, तो हमने क्या किया, सेपरेट नंबर इंडिकेट किया, 3-ethyl, 3 फॉर दिस साइड चेन, 3 for this side chain, 3-methyl, separate separate indicate here, there is no need to write with this star, okay, clear karne ka hoga. Next, now yahan dekho, methyl group is near from left side, 4-ethyl hexane, second carbon atom, and ethyl from this side, at third carbon atom, that's why we have to start coming from this carbon, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? So methyl group is attached to second carbon atom, ethyl group is attached to fourth carbon atom. Due to alphabetical order, we have to write ethyl first. 4-ethyl or ethyl, 4-ethyl dash 2-ethyl. Total 6 carbon atoms. That's why hexane. Hexane. Right? This is challenging example. Who will tell me name of that compound? Sir, 3-ethyl. Sir, 3-ethyl, 4-methyl. Hexane. Hexane. Right? 4-ethyl kyun? Ek student ne pucha 4-ethyl kyun? इथाइल फोर्थ कार्बन एटम का है ना, अगर हम यहां से स्टार्ट कर दें तो इसलिए 4 इथाइल 2 इथाइल हेक्सेन, और ये सर, अब यहां देखो सर, वो 4 इथाइल फर्स्ट क्यों लिया हमने, 4 इथाइल तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करने की ना, इथाइल हां यम, इथाइल का यम, इथाइल का ई, तो ई फर्स्ट आता है ना सर, करके लेक्चर को सर, तो सर तर आपल्याला कसं समजणार की अल्फाबेटिकल ऑर्डरच करायचे तिथे? अरे मग साइड चेन वेगळा आहे ना, इथिल आहे आणि मिथिल आहे, वेगवेगळ्या असतील तर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करायची, रूल दिलेला आहे मी, आय थिंक दॅट इज फिफ्थ रूल, रीड केअरफुली, यस सर, फिफ्थ रूल काय म्हणतो, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर प्रेझेंट इन द कंपाउंड देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
In this example, different side chains are there. One is methyl, another is ethyl. Both are different side chains. Use alphabetical order in different side chains. Different side chains अगर होंगे तो alphabetical order use कर लेंगे. ये ethyl है, ये methyl है. तो E का ethyl का E. E of ethyl comes before M of methyl. That's why we have to write ethyl first. वो कौन से भी कार्बन एटम का अटैच करते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पहले ethyl लिखने का बात में. अब देखो यहाँ भी देखो यहाँ both side chains are different. यस सर. पता चलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने की. मगर यहाँ दूसरा एक पॉइंट है, वो कौन सा है? नंबरिंग का है. आप देखो नंबरिंग इधर से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो थर्ड कार्बन को मिथिल आता है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी थर्ड कार्बन को मिथिल आता है. अगर इथिल और मिथिल सेम डिस्टेंस पर है तो इथिल जिस साइड से नियर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की. राइट सर? राइट से. टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबरिंग. यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए भी अल्फाबेटिकल रूल यूज किया. ऐसा नहीं इथिल बड़ी साइड चेन है, बल्कि ग्रुप है, मिथिल छोटी साइड चेन है, ऐसा नहीं है. नंबरिंग अगर सेम डिस्टेंस पर है इथिल और मिथिल दोनों भी, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग स्टार्ट करने की. अल्फाबेटिकली जो साइड चेन जिस साइड पर है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करने का. देखो यहाँ मिथिल है, थर्ड कार्बन को अटैच अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो, और यहाँ इथिल है, अल्फाबेटिकली इथिल पहले आता है, इसलिए इधर से नंबरिंग स्टार्ट करने की. इसलिए इसके लिए कंडीशन है. मगर ये ऐसा कब करने का नंबरिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कब करने की? जब बोथ साइड चेन्स एट सेम डिस्टेंस. अगर दोनों तरफ से दोनों साइड चेन्स अगर सेम डिस्टेंस पर है तभी करने का ऐसा. अब देखो यहाँ 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम को मिथिल था, थर्ड कार्बन मिथिल ग्रुप था, तभी हमने ऐसी ये रूल यूज किया. हम यहाँ वो रूल यूज नहीं कर. अब ये 50% नहीं पढ़ने का, पार्शियल नहीं पढ़ने का, कंप्लीट वो पॉइंट क्लियर करने का. यहाँ का जो रूल है वो यहाँ यूज नहीं कर. यहाँ अगर तुमने ऐसा सोचा कि ये मिथिल है और ये इथिल है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो, तो ऐसा नहीं करने का. मिथिल इज नियर, मिथिल अटैच टू सेकंड कार्बन एटम एंड इथिल अटैच टू थर्ड कार्बन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. ये सब क्लियर करते जाने का. ये समझ में आया थर्ड क्वेश्चन का नंबरिंग? यस सर. ओके, तो अब क्या आएगा? 3-ethyl 3-ethyl 4-methyl hexane. 4-methyl hexane, absolutely correct. Yeah. Right. अब देखो ये हो गया alkenes के nomenclature. Screenshot ले लो जल्दी. ये इसमें correction करो कुछ अगर गलत हुआ तो. ये भी देखो अच्छी तरह से. कुछ बच्चों ने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की होगी, वो भी करेक्शन करो. ये एल्केन का नॉमेनक्लेचर हो गया बेसिक का. राइट, अगर ये तुमको समझ में आया तो 11 को जो चैप्टर है एल्केन उसका नॉमेनक्लेचर समझ में आया, नहीं तो नहीं. ठीक है, एक पॉइंट देने का बाकी है. देखो आप हो गया, did you take screenshot? Okay. Yes sir. अब देखो ये जो मिथिल और इथिल है वो क्या है वो ही बताने का बाकी है अभ्यास के लिए. अब देखो अल्केन, अल्केन में से अगर अल्केन कौन से भी हो, मिथेन टू डेकेन कौन से सीरीज में कौन सा भी एक अलग है, अल्केन से एक हाइड्रोजन अगर माइनस किया रिमूव किया तो क्या फॉर्म होता है? अल्कील, अल्कील फॉर्म होता है, अल्कील. अब देखो अल्केन और अल्कील में फर्क क्या है? अल्केन में ANE और अल्कील में YL,
तो आप एक हाइड्रोजन रिमूव करने का सकते अल्केन फॉर एग्जांपल अल्केन है CH4 ये क्या है मीथेन राइट ये क्या है मीथेन मीथेन तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो डैश देगा पहले डैश CH3 तो इसका क्या नाम है अभी हमने देखा कल से ये देख रहे मीथेन राइट right. दूसरा अल्केन कौन सा है C2H5 सॉरी ये है इथेन इथेन इसमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया C2H6 से यहां क्या आएगा C2H5 तो ये आएगा इथिल तो समझ में आया क्या जो पैरेंट अल्केन है मीथेन से लेकर डेकेन तक उसमें से एक 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 हाइड्रोजन अगर रिमूव किया तो जो ग्रुप है वो अल्किल ग्रुप अल्किल बचता है मीथेन से मिथिल इथेन से इथिल एक 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 हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो अल्किल ग्रुप की सीरीज में आपको देता हूं आपकी ज्यादा समझ आएगी ओके देखो आप अल्केन की सीरीज हमने देखी है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखा है अल्किल ग्रुप्स और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला MF बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखो मिथिल और इथिल इंपॉर्टेंट है मतलब सब देता मैं अभी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन अल्किल ग्रुप्स यहां MF बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अल्किल ग्रुप्स फर्स्ट अल्किल ग्रुप मिथिल मिथिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है CH3 डैश दिया नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं इथिल इथिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5 प्रोपिल का क्या है C3H7 राइट अब नेक्स्ट तो कौन सा है ब्यूटी पेंटी हेप्टेन हेप्टेन ऑक्टेन ब्रोमीन डेकेन डेकेन अब ये ऑक्टेन लोने डेकेन हेप्टेन ये कहीं पर यूज नहीं करते या यहां तक नहीं है तुमको ये 12 को मगर रहने दो तुमको पता होना चाहिए इसलिए मैंने सब दिए डेकेन तक अब ब्यूटिल का क्या आएगा C4H10 ब्यूटेन है क्या आएगा H नहीं अब इसमें क्या करने का कार्बन एक से इंक्रीज करो और हाइड्रोजन दो दो से 3 5 7 9 तो पेंटी का क्या आएगा C5H11 C5H11 हेक्सिल का C6H13 C7H15 हाँ ये करो तुम क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क भी चाहिए हेलो सर ओके सर देखोगे तो समझ में आएगा ये स्क्रीनशॉट ले लो ये या अपना अल्केन हो गया अल्केन का बेसिक हो गया यहाँ C8H21 ठीक है स्क्रीनशॉट लिया
Yes, sir. Yes, sir. Yes, screenshot. Okay, okay, okay. Yes, sir. Hello, sir. हाँ सर बोलो. सर ये alkanes का जो हमारा formula था वो CnH+2 मतलब H2n+2 था, तो इसका formula क्या है? क्या है वो तुम बोलो. Plus alkane का ये था CnH2n. सर plus one आएगा. CnH2n. Plus one. Right. तो alkane group का formula ये आता. ये alkane group का formula है. ये alkane का. ये तुम जैसा जैसा स्टडी करोगे वैसा वैसा ऑटोमेटिक समझ में आता. ओके स्क्रीनशॉट लिया. हाँ यस सर. सर तो साइड से फॉर्मूला कौन सा होता? साइड से फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन ऐसा होता है एल्किल ग्रुप का. ओके सर. एल्किल ग्रुप्स ठीक है. अब देखो वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बोनेट. टाइप्स ऑफ कार्बन. कार्बन के भी टाइप रहते हैं. देखो सर तुमचा स्क्रीन ब्लर दिसतोय. यस सर झाला क्लियर. क्लियर झाला झाला क्लियर. अब देखो टाइप्स ऑफ कार्बोनेट. कार्बोनेट के भी टाइप्स रहते हैं और इस पर क्वेश्चन आता है एनडीओ डायरेक्ट. अब जो मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूं उस पर डायरेक्ट एनडीओ को और सीईटी में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कार्बोनेट. टाइप्स कितने कार्बन के देखो. कार्बन के टाइप्स देखो. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बोनेट. फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम. सर परत ब्लर झाले की क्लियर झाली. क्लियर झाली होईल ती. एका वेळेस काही प्रॉब्लेम होत असेल पण लगेच क्लिअर होती. मी मोबाईल सेट केलेला आहे त्यामुळे ते आपोआप होऊन जाईल. आता देखो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम. फर्स्ट टाइप प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन एटम. प्राइमरी कार्बन एटम. और प्राइमरी कार्बन एटम को ऐसा इंडिकेट करते हैं वन डिग्री. ऐसा इंडिकेट करते हैं. ध्यान से देखो प्राइमरी कार्बन को ऐसा इंडिकेट करते. सेकंड सेकेंडरी कार्बन. सेकेंडरी कार्बन एटम. कार्बन एटम उसको ऐसा इंडिकेट कर देगा. उसके बाद टर्शियरी. हाउ टू रीड टर्शियरी कार्बन एटम. कार्बन एटम उसको ऐसा इंडिकेट कर देगा. और फोर्थ वन क्वार्टरनरी कार्बन एटम. क्वार्टरनरी कार्बन एटम तो इसको ऐसे इंडिकेट कर देगा. अब देखो वन टू थ्री फोर दिख रहा है अच्छी तरह से ठीक है. क्वार्टरनरी कार्बन एटम ये चार टाइप है. अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी ये याद रखने का. दिस इज न्यू पॉइंट. ये तुमको पहले कभी मालूम नहीं था. टेंथ को भी आई थिंक नहीं हुआ होगा ये. अब याद रखो कार्बन के टाइप्स है फोर. फोर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. तो ये टाइप कैसे आइडेंटिफाई करने के हम देखो. अगर ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 CH3. अब इसमें प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा है सेकेंडरी कौन सा है टर्शियरी और क्वार्टरनरी है. हम ये अलग अलग कार्बन आइटम्स है टाइप्स अलग है इसके. तो अब देखो जब हम डेफिनेशन देखेंगे तब समझ में आएगा एक्चुअली क्या है. तो एग्जाम एग्जाम में एनडीए के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते
फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है टू मिथिल ब्यूटेन, राइट, टू मिथिल ब्यूटेन इस कंपाउंड का। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सिंपल क्वेश्चन, आंसर भी सिंपल है। हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन, हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन, ऐसा क्वेश्चन आता। एक दो क्वेश्चन आते जैसे देखो क्या करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ये तीनों भी इरेज कर देंगे। ले लिया सर। लिया? यस सर। ओके, फर्स्टली वी विल डिस्कस प्राइमरी कार्बन एटम। इट इज इंडिकेटेड बाय फर्स्ट डिग्री। देखो ये जो आज कंसेप्ट होगा वो कल प्रिपेयर होना चाहिए सबका। स्क्रीन ब्लर है सर, पूरा स्क्रीन ब्लर हुआ। जस्ट वन मिनट, हो दे ब्लर हो दिया, ये पुनः होता व्यवस्थित। सर फोन से कैमेरा समोर हाथ ठेवून परत काढते। अरे झालं रे क्लियर? होय खूपच आयडिया आहे तुमच्याकडे। ठीक आहे, पहा आता देखो प्राइमरी कार्बन आयटम आप डेफिनेशन देखो। द कार्बन आयटम which is attached to another only one carbon atom is called primary carbon atom। प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन को मैं ऐसा डबल कोट करता हूं, ठीक है, डैश। इट इज इंडिकेटेड एज फर्स्ट डिग्री। तो अब देखो डेफिनेशन का मीनिंग पहले अंडरस्टैंड। The carbon atom which is attached to another only one carbon is called primary carbon atom। जो carbon atom दूसरे एक carbon atom पर attached है उसको primary carbon atom बोल लेगा। Example दे। अब example दे। Sir methyl। क्या हुआ? Methyl। नहीं methyl नहीं। CH3। अब देखो अब सिंपल से क्वेश्चन, इसमें कितने कार्बन एटम है? दो कार्बन एटम, राइट, ए और ए। तो अब ये कार्बन एटम जो है, ये कार्बन एटम इसको अटैच है और ये कार्बन एटम इसको अटैच है, राइट। तो डेफिनेशन क्या है प्राइमरी कार्बन एटम की? द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर ओनली वन कार्बन। अब इसके अगर देखा जाए ये कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन एटम को अटैच है? एक ही कार्बन एटम को अटैच है, राइट? यस। तो ये हो गया प्राइमरी। और ये कितने कार्बन एटम को अटैच है? वन। तो ये भी हो गया प्राइमरी। कंपाउंड में टोटल कार्बन एटम कितने हैं? देयर आर टू कार्बन एटम, राइट, दो कार्बन एटम है, दोनों के दोनों प्राइमरी। ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट देखो CH3, CH2, CH3। अब ध्यान से देखो इसमें प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं? एक एक कार्बन एटम के बारे में देखते हैं। ये कार्बन एटम किसको अटैच है? CH3 रहेंगे। CH2 को अटैच है, राइट? यस। तो डायरेक्ट अटैचमेंट देख लीजिए, ऐसा नहीं ये कार्बन एटम इसको अटैच है और ये इसको अटैच है तो ये इसको अटैच है, ऐसा नहीं। डायरेक्ट
अटैचमेंट देखने की, ये कार्बन आइटम कितने कार्बन को अटैच है, डायरेक्ट ओनली वन कार्बन आइटम को अटैच, इधर का नहीं, ये किसको अटैच है वो नहीं देखने का, डायरेक्ट ये कार्बन आइटम किसको अटैच है, CH2 के कार्बन को, तो एक ही कार्बन को अटैच है, दिस कार्बन इज अटैच टू अनदर ओनली वन कार्बन, दैट्स कॉल्ड दिस प्राइमरी। अब ये कार्बन आइटम, ये कार्बन आइटम CH2 को अटैच है, तो ये भी क्या होगा, बस प्राइमरी का कार्बन आइटम। बट व्हाट अबाउट दिस सेंट्रल कार्बन आइटम, 2 डिग्री दिस वन एंड दिस वन 2 डिग्री, हां ये सेकेंडरी होगा, अब इसमें नहीं लिखेगा, तो ये प्राइमरी है क्या सेंट्रल कार्बन आइटम, नो सर वो प्राइमरी नहीं है, यस सर इसे सर सेकेंडरी, तो सेंट्रल है सेकेंडरी है वो देखने का बात नहीं, this carbon atom is attached to another two carbon atoms, that's why this is not primary, pehle primary ka dekhenge, primary samajh mein aaya, aur ek example deta hu sir, ha matlab straight chain mein se first wala aur last wala primary hoga na, yes yes wo hota hua kab, ha wo kab pata chalta jab tum study padhoge, acche se concept clear karoge to tumhare samajh mein aata primary secondary ki tension, इसके शॉर्टकट भी मैं बता दूंगा बाद में, पहले कंसेप्ट देखेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट ऑलवेज प्राइमरी होता है। अब देखो, हाँ अब पता चल जाएगा तुमको कितने प्राइमरी, बोलो हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन है, कैसे पहचाना तुमने, वो CH3 यहां पे CH3 है वो सब प्राइमरी, CH3 CH2 प्राइमरी CH2 नहीं प्राइमरी। अब देखो ये तो ट्रिक्स हो गई, कांसेप्ट देखो, ये CH3 ये कार्बन आइटम एक ही कार्बन का अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी, दिस कार्बन आइटम इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो प्राइमरी, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन ओनली वन, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी, ये कितने कार्बन आइटम का अटैच है, 2 डिग्री सेकेंडरी दो को सर, ये तीन को अटैच है, तीन कार्बन, तीन को, तीन, हाँ ये सर तीन को, एंड थ्री हो गया प्राइमरी, नेक्स्ट देखो सेकेंडरी कार्बन, पूरा बोर्ड दिखता ना, हाँ अब सेकेंडरी क्या डेफिनेशन आएगी, सेकेंडरी कार्बन एटम, ब्रैकेट 2 डिग्री, अब देखो डेफिनेशन मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, डेफिनेशन द कार्बन एटम, द कार्बन एटम which is attached to another 2 carbon atom, 2 carbon atoms, yes we go plural form in atoms, is called secondary carbon atom, secondary carbon atom, इसको secondary carbon atom बोलने का, और यही लिखता हूं मैं, next ये होगी definition पूरी, it is indicated, तो नीचे लिखो अच्छी तरह से, it is indicated as 2 degree, तो ये जो है तुम नीचे लिखो, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने लिखा, इट इज इंडिकेटेड एज 2 डिग्री, अब एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 CH3, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन है, 1 यस सेकेंडरी कार्बन 1 कौन सा है, CH2 सेकेंडरी कार्बन, व्हाई दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन,
because this carbon is attached to another two carbon atoms. Two carbon atoms. This one and H3 second one. दोनों पार्ट है इसलिए सेकेंडरी. नेक्स्ट एग्जांपल देखो CH3 CH2 CH2 CH3. हाँ two सेकेंडरी कार्बन एटम्स. इन दैट एग्जांपल two कार्बन एटम्स आते हैं. हाँ सही बोला. CH2 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 CH2. अब देखो इन दिस एग्जांपल देयर आर फोर कार्बन आइटम बट सिंगल टू कार्बन आइटम्स आर सेकेंडरी. हां राइट. दिस इज प्राइमरी एंड सेंट्रल टू कार्बन आइटम्स आर सेकेंडरी राइट. तो बोलो इसमें कितने सेकेंडरी हो गए. हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन आइटम्स आर इन दिस. सर एक ही सेकेंडरी कार्बन आइटम. वन CH2 वन वन CH2. I think there is no need to write prices. Here again, for the key example. Okay, take down screenshot. Just 1 minute. 1 minute ago. हाँ इसमें three yes this is secondary and this is second. Okay take down screenshot. Yes, sir. हाँ बोलो सर. मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि अगर जो हमारा अगर प्राइमरी कार्बन एटम है तो उसके अंदर हाइड्रोजन तीन रहेंगे और सेकेंडरी हुआ तो एक कम हो जाएगा और टर्शियरी हुआ तो हाइड्रोजन एक और कम हो जाएगा. नहीं आप कैसा रहता वो जो तुम बोल रहे हो. यस सर. देखो याद रख सकते हो तुम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बट यू हैव टू राइट इन एग्जाम अकॉर्डिंग टू कार्बन का इनपुट लिखना पड़ेगा इन दिस फॉर्म. तो कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू अनदर ओनली वन कार्बन. कार्बन का ही बोलने का व्हिच इज साइंटिफिक लैंग्वेज. ओके सर. कार्बन एक अटैच है तो प्राइमरी दो अटैच है तो सेकेंडरी तीन अटैच है टर्शियरी. ये कार्बन के बारे में ऐसा ही बोलने का ऐसा ही लिखने का. मगर जो तुमने ट्रिक्स अभी अप्लाई की वो तुम्हारे याद रहने के लिए ठीक है. सर एक और बात. सर अगर हमारे पास CH4 है मतलब मीथेन है तो वो प्राइमरी में आएगा कि किस में आएगा. वो प्राइमरी तो सिंगल कार्बन से अटैच है ना. उसको प्राइमरी कंसीडर कर. इसको प्राइमरी कंसीडर कर दे मगर एग्जांपल में ऐसा कभी पूछा नहीं जाता सर. बट वो कोई कार्बन से अटैच नहीं है. जस्ट वन मिनट. डेफिनेशन क्या है. जो कार्बन दूसरे एक कार्बन पे अटैच है उसको प्राइमरी कहते हैं. ये तो किसी को अटैच नहीं. ये तो सिंपल कार्बन है वो प्राइमरी में आता. ठीक है सर. अगर साइक्लिंग हो तो उसमें सारे सेकेंडरी रहेंगे क्या. हाँ सर जैसे कि बेंजीन है तो वो साइक्लिक उसका फॉर्मेशन रहता है ना तो वो किस में आएगा फिर. साइक्लिक पूरे सेकेंडरी रहे. ठीक है सर. अब साइक्लिक के बारे में हमको देखने का है. अभी नहीं. साइक्लोप्रोपेन सुना है क्या नाम तुमने. साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन. ठीक है उसके बारे में एक लेक्चर लेते हैं हम. वो कैसा कैसे इंडिकेट करने का. ये हो गया क्या. सर C2H6 रहेगा तो C2H6 तो C2H6 रहेगा भी रहेगा. वो ये C2H6 है ना. यस नहीं ऐसा नहीं. अटैच वो देखो टू मीथेन हो ना. हाँ तो बोल रहे उसका उसका क्या करने का. तो आया मेरे समझ में तुम्हारा क्वेश्चन. पहले ये इरेज करने दो. हो गया तुम्हारा. तो यस सर मिटा दो सर. वो जो किसी ने पूछा ना C2H5 अगर साइड चेन अटैच है तो कैसा. वो गुड क्वेश्चन है.
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, उससे ही कंसेप्ट क्लियर होता हो गया सर। यस 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 शंतनु करेक्ट। अगर मीटिंग एंड हो गई तो मुझे बताओ, तुम कैसे बताओगे मीटिंग एंड होने के बाद? ठीक है, आप देखो अब पहले टर्शियरी और क्वार्टरनरी एक बार देखते हैं और उसके बाद तुम्हारे सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो सर, कैमरे से हाथ खड़ा हाथ लगाऊं कैमरा को? हाँ क्लियर हुआ। ओके टर्शियरी कार्बन है, दिख रहा है क्या? यस सर। टर्शियरी कार्बन एटम 3 डिग्री। अब इसकी डेफिनेशन यू कैन राइट, आई नो ये तुमको समझ में आएगा, मैं आप फास्ट लिखता हूं। द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू अनदर 3 carbon atoms. Another 3 carbon atoms is called tertiary carbon atom, right? It is indicated as 3 degree. 3 degree indicate करने का मतलब पढ़ने का नहीं, 3 degree. Don't read 3 degree. Read tertiary. ऐसा read करने का. Tertiary read करने का. 3 degree नहीं. अब देखो example. CH3 और यहाँ एक CH3. आया समझ में? Yes sir. आया बड़ा तुम्हारे समझ में? तो तुम right चल रहे हो. तुम्हारा ट्रैक अच्छा है, तुम्हारा स्टडी अच्छा है। हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन एटम? वन एंड व्हिच इज दैट? सीएच। यस टर्शियरी, ये बाकी के सब प्राइमरी है। नेक्स्ट सीएच थ्री CH3. Two, sir. Right. CH. ये हो गया tertiary का। और last and best quaternary carbon है। इसके definition बोलो तुम, मैं लिखता। Sir, इसका example 2-2 dimethyl. Propane, right? Yes, sir. That's absolutely correct. ऐसा होना चाहिए। क्या definition आएगी? The carbon atom. Which? Carbon atom. Which is attached to? Four carbon atom. Another how many? Four. Yes. Another four carbon atom. Which is indicated as 4 degree. Item नहीं है ना? Atom बोलने का। Atom और item में फर्क है। Four carbon atom is called quaternary. Carbon atom. Yes. Quaternary carbon atom. Okay. Is it indicated?
It is indicated by 4 degree. Yes, it is indicated by 4 degree. अब एग्जांपल किसे लिखो भी आप बताया एग्जांपल कौन सा है एग्जांपल ये है देखो क्या एग्जांपल बताया टू डाइमिथाइल प्रोपेन टू डाइमिथाइल प्रोपेन राइट ऐसा एग्जांपल बताया अब देखो अब 11 को एक पॉइंट है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखने के कंपाउंड देख के नाम लिखने का और उसका काउंटर पॉइंट है नाम तुमको दिया जाएगा नॉमेनक्लेचर उसका कंपाउंड ड्रॉ करने का तो वो एक पॉइंट है ऐसा तो 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन अब तीनों क्या क्या नाम दिया तो डबल अपना स्टडी होता है इसमें ये तो हम टाइप्स ऑफ कार्बोनेट में तो देख रहे हैं मगर ये भी एक पॉइंट हो जाए आप देखो 2-2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी हमको आना चाहिए प्रोपेन है इसका मतलब क्या है तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की चेन है सिंगल कार्बन तो भी थी CH3 डबल स्टडी हो गया डबल पॉइंट हो गया डबल बेनिफिट अब देखो कौन सा कार्बन क्वार्टरनरी कार्बन है सी यस सी This carbon is quaternary carbon, right? Yes, sir. Quaternary carbon. Quaternary का एक example ठीक है. अब जो तुम्हारा question है, अब दो तीन इसके बारे में एक दो तीन compound लेकर उसमें primary कौन सा, secondary कौन सा, tertiary कौन सा ये देखेंगे. एक बार screenshot और sheet page पर आप उसका क्या है वो भी देखेंगे. Handwriting समझ में आती क्या? Yes, sir. Okay. होमवर्क देने वाला हूं कर देता हूं आप टेंशन नहीं लेने का देखो पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद होमवर्क सर ऐसा कुछ जरूरी है कि अगर ये जो हमें ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर हमें ऐसे पहचानना है तो पेपर में अगर हमेशा हाइड्रोकार्बन ही आएंगे या कुछ और फॉर्मूला भी आ सकता है किसी और के साथ अटैच हो नहीं किसी और के साथ भी अटैच आ सकता है मगर पहले ये मालूम होना चाहिए ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप देखो क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन नहीं आते हाइड्रोकार्बन भी आते हैं एक चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन वो भी आते हैं मगर ऐसा भी क्वेश्चन आता ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्लोरीन भी आ सकता है वही भी हो सकता है वो कंपाउंड कौन से है वो उस पर क्वेश्चन आता है वो सबके लिए पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम्स पता होना चाहिए मालूम होना चाहिए पहले वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ये बाद में ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है सेकेंडरी क्योंकि क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन का अटैच है इसलिए इसको सेकेंडरी कंपाउंड बोलते हैं टर्शियरी पे आएगा ना अब देखो अगर तुमने अच्छी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंसंट्रेशन फुल कंसंट्रेशन से अगर देखा होगा तुम्हारे समझ में आया होगा जहां CH3 है वो है प्राइमरी राइट CH2 वाला है सेकेंडरी और CH वाला कार्बन है टर्शियरी सिंपल कार्बन है सिंपल कार्बन वो है क्वार्टरनरी या समझ में डेफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो डेफिनेशन अच्छी तरह से लिखने की
अगर ये अगर उस पर क्वेश्चन आया कार्बन आइटम के टाइप्स आइडेंटिफाई करो तो ये ट्रिक्स याद रखने दोनों तरफ से कंसेप्ट भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए ओके अब देखो ये होगा अब जो एक स्टूडेंट ने पूछा था अगर ऐसा रहा तो CH3 CH2 CH यहाँ अगर C2H5 रहा तो राइट तो इसको सेकेंडरी बोलने का यही क्वेश्चन था ना अब ये जो C2 अपने को C2H5 सर इसमें तीन सेकेंडरी रहेंगे बोलो दो सेकेंडरी सर इसमें तीन सेकेंडरी हाँ रुको रुको एक मिनट रुको अब ये जो C2H5 है पहले इसको एक्सपांड करने का C2H5 को ऐसा एक्सपांड कर ऐसा भी लिख सकते हो CH2 CH3 अब देखो ये दिस इज ऑल्सो न्यू कंसेप्ट फॉर यू अच्छी तरह से देखो C2H5 को तुम कैसा लिख सकते हो -CH2CH3 ये डैश क्या है उसको अटैच है उसको उसका डैश है CH2CH3 तो तुम इस कंपाउंड को तुम ऐसा लिख सकते हो CH3 CH2 CH CH2 CH3 You can write this type of structure for this structure. ये समझ में आएगा पहले ये बोलो। हाँ आ गया सर। हाँ। Okay. C2H5. वापस कुछ करो ना। Expand ऐसा करने का। C2H5 को CH2CH3 ऐसा expand कर दे। अगर तुमको primary secondary identify करने के है, तो C2H5 को you must expand. उनको एक्सपांड कर रहे हो तभी आइडेंटिफाई कर सकोगे आप बोलो प्राइमरी कितने हैं प्राइमरी टू है क्या प्राइमरी प्राइमरी तीन है प्राइमरी तीन है प्राइमरी थ्री सेकेंडरी सेकेंडरी भी तीन तीन दो और थ्री थ्री वन टर्शरी वन 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 जीरो जीरो करोगे ऐसा ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये साइड चेन तो ये गलत है समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ ओके सर ओके ये सेपरेट आल्केन है C2H6 बोले तो इथेन तुम आल्केन आल्केन को अटैच नहीं कर सकते अल्किल ग्रुप अटैच कर सकते हो इथिल मिथिल प्रोपिल ये ग्रुप अटैच कर सकते हो ओके ओके सर आप भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं अब ये यार इसका कुछ जरूरत है नहीं है ठीक है स्क्रीनशॉट जब लोगे तुम तो तुम्हारे ये समझ में आना चाहिए ये अब देखो अब एक एक दो तीन एग्जांपल स्टडी कर ले CH3 CH2 ये जो एग्जांपल है आई थिंक एक बार एग्जाम में आया था अगर इस एग्जांपल का अगर तुमने स्टडी किया इसमें सब टाइप के कार्बन आइटम है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी सब है यस सर हां यस सर यस सर उनका प्राइमरी कितने हैं सेकेंडरी कितने पांच टर्शियरी कितने हैं और क्वार्टरनरी कितने हैं अरे इतना बोलने का
5 primary. हाँ बोलो कंपाउंड दिख रहा है ना यस सर 5111 प्राइमरी ये हो गए 5 सेकेंडरी 1 एक सेकेंडरी टर्शियरी 1 टोटल कितने हो गए टोटल 8 कार्बन आइटम्स है तो इसमें है कितने कोई 8 कार्बन आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके नेक्स्ट ये हो गया एक सेकंड देखो primary 6 primary 6 quadrant 2 quadrant 2 primary 6 secondary 0 0 0 tertiary 0 0 primary 2 2 okay good abhi question प्राइमरी कितने हैं आप बोलो चार प्राइमरी है पांच राइट चार C2H5 को एक्सपांड किया C3 में सेकेंडरी वन सेकेंडरी दो सेकेंडरी टर्शियरी भी टू सेकेंडरी वन सेकेंडरी टू सेकेंडरी टू सर सेकेंडरी टू है क्या यस सर सर सेकेंडरी वन है वन है वन अरे सेकेंडरी वन है सेकेंडरी प्राइमरी वन हाँ सर सेकेंडरी वन है यहाँ प्राइमरी वन टू यहाँ थ्री सेकेंडरी ओनली वन दिस इज सेकेंडरी टू ये सेकेंडरी नहीं है ये क्या कैसा है टर्शियरी 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 टू टर्शियरी हाँ तो एक्सपांड करने को आना चाहिए अच्छी तरह से एक लास्ट एंड बेस्ट फॉर यू CH3 CH CH2H5 CH3 CH2H5 CH2H5 प्राइमरी 5 प्राइमरी 5 बहुत ही एक्सपर्ट हो गए यार तुम हां नेक्स्ट सेकेंडरी 3 सेकेंडरी 2 4 4 4 4 सेकेंडरी 4 सेकेंडरी 4 सेकेंडरी 4 सेकेंडरी 4 4 टर्शियरी 1 टर्शियरी 1 और टर्शियरी 1 सर क्वाड्रेटिक 1 एंड क्वाड्रेटिक 1 यस इसको क्या करो इसको एक्सपांड करो और एक्सपांड करके वो अच्छी तरह से लिखो इसका आंसर मैं सर हमें एक्सपांड क्यों करना चाहिए हाँ तो कार्य करने के लिए क्या कंफ्यूजन हो रहा है फोन बात में लेते हैं बजा रहा हूँ थोड़ा क्या करने का थोड़ा अच्छी तरह से देखने का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ऐसा अपने वजह से सबको डिस्टर्ब हो रहा है तो एक तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो माइक म्यूट करने का नहीं तो फिर डिस्टर्ब होता ना सबको ठीक है होगा ये सब यस सर यस सर अगर हो रहा है तभी एक्सपांड करने का नहीं तो देयर इज नो नीड टू एक्सपांड कुछ एक्सपांड करने के लिए जरूरत यहां एक सीएफ है एक सीएच2 है एक प्राइमरी एक सेकेंडरी रहेगा सीएच2 एक
प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, बाकी काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अच्छी तरह से करो, ये पॉइंट कंपलसरी है। डेफिनेशन एंड एटलीस्ट एक एक दो दो एग्जाम्पल, और सबका एक एग्जाम्पल चाहिए। तो दो एक्सपांडेशन जरा वापस बताओ ना। क्या सर? C2H5 का एक्सपांडेशन वापस बताओ ना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लिया क्या? ये संप्लग का लाओ ला कर दो। यस सर। ओके, देखो अब अगर ऐसा कंपाउंड है CH3, CH2, CH2H5, CH2, CH3, अब इसका एक्सपांशन कैसा रहता है? देखो C2H5 जो है इस कार्बन का अटैच है, और C2H5 का एक्सपांशन ऐसा रहता, C2H5 जो है H2CH3। कार्बन हाइड्रोजन आइटम कम नहीं होते, टू कार्बन आइटम्स हैं इसमें, टू है फाइव कार्बन, हाइड्रोजन आइटम्स हैं इसमें फाइव हाइड्रोजन आइटम। C2H5 एक्सपांडेड इन दिस फैशन CH2CH3, राइट? तो अब इसको अगर तुमको एक्सपांड करके अगर लिखने का है तो ये CH3CH2CH CH2CH3, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ अटैच कर दो। तो कैसे अटैच करेगा? CH2 की तरफ से अटैच, डैश CH2CH3 आ गया। एक्सपांशन भी बता दिया, यहाँ मैंने वो एक्सपांशन भी लिखा है, यहाँ कंपाउंड भी लिखा है, ये और ये वो आर सेम कंपाउंड। अभी कुछ डाउट है क्या? ये सेम डाउट देने के रास्ते बोलो। सब पर एक्सपांडेशन क्यों करते हैं? तुमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपांशन करना पड़ेगा। अगर तुमको उसका वो मालूम है तो नहीं करें, नहीं जो तो ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। ओके, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी उसको पता है। इसका कांसेप्ट क्लियर है, इसको नीड नहीं एक्सपांड करने, देयर इज नो नीड। सर सर आप मुझे प्राइमरी सेकेंडरी डेंसिटी का मतलब बता सकते हैं? सर बोलो, आप मुझे प्राइमरी सेकेंडरी और डेंसिटी का मतलब बता सकते हैं इस कांसेप्ट में? आवाज नहीं आ रहा है क्लियर तुम्हारा। Your voice is not clear. हाँ, क्या है? सबका नॉमनक्लेचर किया तो चलेगा? यस, वो तो अच्छी बात है, मगर एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। आयुष, अरे पूरा लेक्चर आज उसमें गया। आयुष प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पर पूरा लेक्चर दिया मैंने आज। हाँ, तुम लेक्चर पार्टी नहीं किया था क्या तुमने? लेक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी कार्बन आइटम मैंने आज पूरे एक्सप्लेन करके बताए। दो एक कार्बन आइटम पढ़ने चाहिए उसको प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे दो कार्बन आइटम डोंट वरी, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से अगर नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इजी कंसेप्ट है ये, एक बार बता दूंगा। डोंट वरी आयुष,
सर हाँ बोलो बोलो ठीक है सो फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टॉप हियर रिमेनिंग डिस्कस विल रिमेनिंग पार्ट में डिस्कस टुमारो ओके या अच्छी तरह से करो सबके नॉमेनक्लेचर करो इट इज योर जॉब ओके मगर उसमें कुछ रॉन्ग हो सकते हैं तो कुछ रोल तुमको बताने के बाकी है अभी ओके सो फ्रेंड्स टुडे विल स्टॉप हियर रिमेनिंग पार्ट डिस्कस टुमारो थ्री इथिल पेंटेन यस इसका नाम राइट है ये जो अभी कंपाउंड मैंने लिखा थ्री इथिल पेंटेन है ओके सो फ्रेंड्स टुडे विल स्टॉप हियर रिमेनिंग पार्ट डिस्कस टुमारो थैंक यू सर ओके सर सर लीव करूं क्या मीटिंग एंड करूं सर नहीं है अभी ओके सर